विधायक जो है तो केदारनाथ शुक्ला जब चुनाव के समय आवत है तो वोट मांगे यही तो लड़का मेहरिया बच्चा यह में हाथ जोड़ ले लागी घोड़े में गिर जाइ कि जो है तो हमका एक बे जीता। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश से है जहां एक गांव में लगभग 150 परिवार आजो जो है आजादी के 70 साल बादो जो है इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन का टकटकी लगाए निहार रहे हैं कि को आवे और 150 घरन के आवाज सुन ले, किंतु हालात यह कि न विधायक न सांसद न जिला प्रशासन केहू का 150 परिवारन के बिल्कुल सुधी तक नहीं आए और हालात यहाँ कि विवश हो के ग्रामीण अब धरना प्रदर्शन के जो है बात कह रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद दुखद सिस्टम के दुखद तस्वीर के जोने में। अपना पंचन बता दी कि सीधी जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी में स्थित मुठियामा गाँव जो जमोड़ी सेगरान ग्राम पंचायत अंतर्गत आवत है वहाँ के लगभग 300 रहवासी आज जो है सहारा हे रहे हैं। हालात यह कि बेसहारा वो लोग आज एक सड़क के मांग कह रहे हैं जो बुनियादी जरूरत में आवत ही सड़क बिजली पानी वो बुनियादी जरूरत के तिर आज ग्रामवासी तरस रहे हैं। ग्राम पंचायतन के जो यदि कहा जाए स्थापना कीन गए तो यहीं से कीन गए कि गाँव का शहर के तरह जो है बनाए दी जाए जो उन्हें ग्रामीणन के पलायन रोका जाए सके, किंतु हालात यह है कि गांव जो शहर के बिल्कुल करीब है महज दूरी 2 किलोमीटर है उठे जो है एक आम रास्ता बरसात में ऐसा हो जाता है कि बारिश में ये 300 घर के लोग कैदी बन जाते हैं। कैदी ऐसे बन जाते हैं कि न छोट का लड़का बच्चा हुआ जगह से शहर तक आ पा में न लोग घरे से बाजार तक जा पा में। हालात यह कि वह सड़क पर लबलबा हुआ पानी भरा रहा है और यदि कोनो लड़का बच्चा लेके गाड़ी घोड़ा निकलवाओ बे तो वो करिहा तक बूढ़ जाते। हालात यह होते हैं कि कईक बे उठे बेहद बड़ी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है जो उन्हें माँ लोगन का कईक दिन अस्पताल माँ बिताबे का पड़ा है। हालात यही तक नहीं यदि गाँव माँ बरसात माँ केहू के तबीयत खराब हो जाए तो हालात यह कि एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच सका। लोगन का अपने जिंदगी के जद्दोजहद पड़ जाती कि आखिर खटिया में ले जाई कि घसीलावत ले जाई या ओका व नाला नर्दा ओका का कहब की एक सड़क जब कीचड़ युक्त हो जाती और करिहा तक पानी भर जात है। लोगन के दर्द आखिर काहे नहीं दिखाए जिला प्रशासन में कईक बे ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गए किंतु या ग्राम पंचायत के न सरपंच सुनाए न सचिव सुनाए न क्षेत्र के विधायक सुनाए न सांसद सुनाए तो आखिर के लगे जाए बेचारा ग्रामवासी जो अपन हक के लड़ाई आखिर कौ में लड़े का हर लड़ाई तलवार बंदूक गोली यही से लड़ी जाई हक खीतिर का हथियार उठावे यह सही आए। सवाल बेहद पड़े हैं कि यदि सब सिस्टम बना है तो वह सिस्टम का आखिर सरकार देखे काहे नहीं कि इतने 300 जो घर है 300 परिवार है जो आज सीधे आशा के निगाह से जनप्रतिनिधि की ओर देखा थे प्रशासन की ओर देखा थे कलेक्टर का देखा थे सरपंच सचिव का देखा थे तो काहे इनका आंखें फूट जाती कि इनका यह नहीं दिखाए कि यह दर्द आखिर यदि इनका यह में दर्द झेले का पड़े तो का ही झेल सका थे। सवाल बेहद बड़ा है किंतु गरीबन के आवाज सुने की जरूरत थी। हमारे संवाददाता के द्वारा जो है ग्रामीणन से बयानों लीनगा और उनके द्वारा यह दर्द के बयान जो है आपन यह दर्द के जो है दास्ता बयान कीन गए तो सुनी बयान आपन वो अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम। हमारा नाम कमलेश कुमार विश्वकर्मा है ग्राम मुठिगमा कला से आए हैं। समस्या यह लेके आए हैं कि रोड के जो है तो अपने गांव में रोड नहीं आए 300 घर बस्ती है और आवागमन जो है तो सिर्फ एक ही रोड ही है। विधायक जो है तो केदारनाथ शुक्ला जब चुनाव के समय आवत है तो वोट मांगे यहीं तो लड़का मेहरिया बच्चा यह में हाथ जोड़ ले लागी घोड़े में गिर जाइ कि जो है तो हमका एक बे जिताई। लेकिन जैसे जब जीत जात हुआ तो जो है तो रोड जो है तो नहीं बनवाए पावत हैं अभी तक रोड बनी नहीं आई। 300 घर है स्कूली लड़कन के जो है तो आवा जावे में बहुत बड़ी समस्या है जो है तो अब कम से कम 2 साल से जो है तो कोरोना लगाए तो स्कूल बंद ही हुए और भगवान की दया से बंद ही हुए। अगर कोरोना खुला हो तो लड़का जो है तो वहाँ ने आवा जावे में बहुत बड़ी समस्या है ना तो पैदल निकल पावत है आदमी ना तो बाइक से ना काहे से जो है तो यहाँ अगर
मेहरियो तक तो अगर कोनो प्रेगनेंसी बा तो एम्बुलेंस अगर बुलावा जात है जननी तो जो है तो 1 किलोमीटर दूरी यहीं पर रोड मेन रोड पर खड़ी रही ओ पार आवे की कोनो सुविधा नहीं आ जात। तो यह समस्या ले क्या है कि जो है तो रोड हमारा पंचन के कैसो न कैसो जो है तो अखन निकलवावा जाए। हाँ, हमारा नाम इंद्राज कुमार विश्वकर्मा है। इस गाँव में मतलब 300 आबादी है। रोड की बहुत बड़ी समस्या है, कीचड़ हो जाता है बारिश में बहुत ज़्यादा। और राकेश रतन को बोला गया कि आके देख लीजिए, रोड बनवा दीजिए। ये मतलब सरपंच के कार्य करता है, शांति देवी कोल सरपंच हैं, और वो आने के लिए बोलते हैं और आते नहीं हैं कि आके देख लें रोड कैसी है। यहाँ मोटरसाइकिल्स भी गिर जाते हैं, पैदल चलने वाले भी गिर के छट जाते हैं उस गड्ढे में। गाड़ी तो कोई आ भी नहीं सकती है, किसी की तबीयत खराब हो जाए ना तो बाइक से, ना तो पैदल, ना तो कोई वाहन से आदमी निकल पाता है। मतलब पैदल चलते चलते वो जाके उसी गड्ढे में गिर जाए, खुद ही मर जाएगा हॉस्पिटल जाने से पहले। यही समस्या लेके आए थे, यही समस्या है हमारी। इसकी शिकायत हमने सरपंच को किया, राकेश रतन को, कि मतलब आके रोड देख लें, बनवा दीजिए रोड, आने जाने में समस्या हो जाती है। केदारनाथ शुक्ला को भी बोला गया है, लेकिन वो भी बोलते हैं कि बन जाएगा, लेकिन आज तक बना नहीं है। फिर के इधर देखे भी नहीं कि बारिश में कैसा हाल हो जाता है इस रोड का। यही समस्या है सर, और कुछ नहीं। हाँ, 20 साल से यही हम लोग ले। हाँ, और कोई समस्या इसके अलावा इधर है? बहुत समस्या है। हाँ, गाँव में रोड है कहीं नहीं है। आप किसी ने शिकायत किए हैं, किसी को बताए हैं? शिकायत ऑनलाइन किए हैं। तो उसमें क्या हुआ? सुनवाई हुई? कोई सुनता नहीं। हाँ, सरपंच तो आता नहीं कभी। हाँ, सरपंच जनपद वाले कोई काम कर रहे हैं यहाँ। पैदल तक निकलना? पैदल तक निकलना। आप क्या करते हैं? शिक्षक। अच्छा, तो बताइए यहाँ ढाई 3,000 बस्ती है। लेकिन जो है तो रोड आपके सिर्फ एक ही रोड है? यही बस, यही रोड। इसके अलावा कोई रोड? कोई रोड, कोई रोड। चारों तरफ ब्लॉक है, दस्तर बोला है। यहाँ बोलते हैं पट्टा है, हमारा पट्टा है। हाँ, रोड नहीं बनते, बन रहे थे। पैदल निकलना मुश्किल। हाँ, गाड़ी कहाँ से जाएगी? आप चाहते हैं कि ये रोड बन जाए? जल्द से जल्द। बिल्कुल चाहते हैं बन जाए, पब्लिक का सुविधा हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सामने जो है तो हॉस्टल है, आगे हॉस्टल बन रहा है, आंगनबाड़ी है, आगे आंगनबाड़ी है, सरकारी बिल्डिंग है, रोड नहीं है। इससे अधिक दुर्भाग्य क्या है? थोड़ा आप जूम करके दिखाइए, वो हॉस्टल बन रहा है, सरकारी हॉस्टल है वो।